डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 7.5 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पीएफ पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ा है ना। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ थ्योरी, यानी एक्सरसाइज 7.6 के लिए थ्योरी। ठीक है, थ्योरी में टॉपिक्स देंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल, बाय पार्ट रूल। अब ऐसा इंटीग्रेशन जिसको हम लोग किस रूल की सहायता से करेंगे, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं बाय पार्ट रूल। ठीक है, अब ये बाय पार्ट रूल क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना। सबसे पहले बाय पार्ट रूल का मतलब क्या है, बाय पार्ट रूल कहते किसको है, तो इंटीग्रेशन यू इंटू वी इंटू डीएक्स, यानी कि जब अगर कोई इंटीग्रेशन गुना में रहेगा, u इंटू वी में रहेगा, तब हम इसका रूल अपनाएंगे, u को बाहर करना है, u को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन वी इंटू डीएक्स और माइनस फिर से इंटीग्रेशन और इस बार करेंगे du बाय डीएक्स, यानी कि u का डिफरेंशिएशन इंटू फिर से इंटीग्रेशन वी इंटू डीएक्स और पूरा का फिर से dx। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को बाईपार्ट रूल होता है। अब बाईपार्ट रूल समझना है कि आखिर ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बाईपार्ट रूल कहते किसको है, ये बात समझना सबसे पहले बेहद जरूरी है। जैसे कि दोस्तों डिफ्रेंसिएशन में हम लोग कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होता है, किसमें होता है, मल्टीप्लाई में, तब वहां यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हो आप कि भैया यू को आप बाहर कर लो, वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को बाहर करके यू का डिफरेंशिएशन कर दो, यू इंटू वी वाला रूल होता है यही ना। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है मल्टीप्लाई वाला, यू इंटू वी का अगर इंटीग्रेशन करना है, तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं बाईपार्ट रूल। समझना है, यानी कि कुछ और नहीं है, बस नाम चेंज है और थोड़ी सी इसकी करने की जो तरीका है ना, रूल्स है, वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी बात वही है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में यू इंटू वी होता है, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन, यहां पे दोस्तों U इंटू वी का अगर इंटीग्रेशन मिल जाए, तब तुम समझ जाना कि हमको लगाना क्या है बाई पार्ट रूल। क्यों? क्योंकि U इंटू वी में इंटीग्रेशन है, तो जब कोई भी इंटीग्रेशन U इंटू वी में रहता है, तब वहां पे लगाते हैं हम लोग बाई पार्ट रूल। ठीक है, अब सबसे समस्या तो यहां है कि U और V डिफ्रेंसिएशन के जैसा ये नहीं है कि जो पहले आएगा उसको आप u बोल दो और बाद में जो आएगा उसको v बोल दो। यहां पे थोड़ा सा आपको रुकना है, सबसे पहले u और v को पहचानना है। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि किसी को भी u मान लेंगे और किसी को भी v मान लेंगे, डिफ्रेंसिएशन की तरह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे हम लोग u और v पहचानने का भी कुछ रूल नियम है, हालांकि उसके पहले u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। आप u को बाहर कर लीजिए, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर u का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का तो मतलब होता है dy बाय dx, तो यहां u बाय dx है, इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन कर लेना है, फिर इंटू वी का इंटीग्रेशन और पूरा का फिर से इंटीग्रेशन। समझना रहा है, हालांकि आप सिर्फ अभी नोट कर लो, हम जब इसको बताएंगे एग्जांपल्स के तौर पे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगला हम लोग टॉपिक्स देखकर समझते हैं
हाउ टू डिसाइड यानी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे हुज यू एंड वी, यानी कि कौन यू है और कौन वी है, यानी कि यू एंड वी को डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक रूल है जिसको इलेट रूल कहते हैं, ILATE, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्त? इलेट, ठीक है। आईलेट कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग इलेट बोलते हैं। तो इसको पढ़ने का अलग अलग तरीका, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो इसको, है ना, वो मैटर नहीं करता है। हम लोगों को यहां पर ये समझना है कि आखिर ये इलेट रूल क्या है। तो आई का मतलब है दोस्तों इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स, ध्यान रखना। एल का मतलब क्या होता है? लॉग। ए का मतलब क्या होता है? अर्थमैटिक, अर्थमैटिक। और टी का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो। और ई का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ध्यान देना, हम लोग आखिर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन यू है और कौन भी है। तो यू और भी को डिसाइड करने के लिए एक रूल आया जिसको कहते हैं इलेट रूल। अब इलेट रूल पे आपको चलकर आपको यू एंड भी पता करना है। तो जो सबसे पहले आएगा इसमें से उसको हम लोग बोल देते हैं यू। अब हम लोग आई का तो मतलब जानते हैं इनवर्स। अगर दोस्तों इनवर्स रहेगा और लॉग, लॉग तो जानते हैं, अगर कोई लॉग में आया जैसे लॉग एक्स के पावर एन, लॉग एक्स स्क्वायर, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर लॉग में रहेगा तब उसको लॉग बोलना है। और इनवर्स कब कहेंगे? जब किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के पावर माइनस वन रहेगा, जैसे साइन एक्स के पावर माइनस वन, उसको हम लोग एक्चुअली पढ़ते भी हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर मान लिया कि टेन एक्स के पावर माइनस वन है तो हम लोग उसको एक्चुअली पढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। हालांकि हम लोग अपने क्लास में पढ़ा भी है ITF को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो आपको चीजें पहचान आ जाएगा कि कौन इनवर्स की कैटेगरी में है और कौन लॉग की कैटेगरी में है। यानी लॉग कब बोलना है दोस्त? जब लॉग लिखा रहे तो उसको लॉग समझ जाना है। और इनवर्स कब समझना है? जब इनवर्स रहेगा, यानी कि पावर में माइनस वन रहेगा, आप इसको इनवर्स समझेंगे। अब रहा बात की सर अर्थमैटिक कब समझेंगे? अर्थमैटिक का मतलब कोई भी बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स, कोई भी बहुपद रहेगा आपको, तो आपको उसको अर्थमैटिक समझना है। जैसे एक्स रहे तो एक्स इज द अर्थमैटिक, एक्स के पावर फोर रहे इज अ अर्थमैटिक, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल रहे ना, उस पॉलिनोमियल को आपको रखना है अर्थमैटिक में। समझ में आ रहा है? और फिर बढ़ते हैं, अगला है टी। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री वही छह तरीके के होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो अगर ट्रिगो का तो खुद पहचान है, अब ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगोनो में अंतर है। ट्रिगो का मतलब माइनस वन नहीं होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में माइनस वन होता है। फिर आते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है दोस्त आधार में, बेस में ई रहेगा, जैसे ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर थ्री, ई के पावर एट, ये सब को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ई से होता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का मतलब बेस में ई होना चाहिए। अगर कभी भी बेस में ई हो तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबका मतलब समझ में आया कि आई का मतलब इनवर्स, और इनवर्स में क्या क्या आता है आपको समझ में आना चाहिए। फिर है एल। एल मतलब लॉग, और लॉग का तो देखते ही पहचान जाएंगे, वो तो एक्चुअली सवाल में लिखा रहेगा कि कौन लॉग है कौन क्या है, है ना। फिर है हम लोगों का ए, ठीक है। तो ए अगर बात करें तो ए मतलब अर्थमैटिक, और अर्थमैटिक बोले तो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद अगर रहेगा उसको अर्थमैटिक बोल देंगे। ट्रिगो समझ में आ रहा है?
एक्सपोनेंशियल देखते पहचान जाएंगे, अगर e के पावर x रहेगा तो हम लोगों का एक्सपोनेंशियल है। चलिए अब सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, है ना। तो एग्जांपल्स करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कुछ ऐसा, आपको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, दिख रहा है ना यहां पे, और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इंटीग्रेशन करना है भाई। किसका इंटीग्रेशन? तो x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको सवाल को देखकर पता चल रहा होगा कि सर ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, हमको पता चल रहा है, ये dx है तो dx से मतलब नहीं है, क्योंकि dx लगाना जरूरी होता है किसी भी इंटीग्रेशन में। हम लोगों को मतलब है इसके अंदर वाला x sin x। तो आपको देखकर क्या पता चल रहा है दिमाग में कि x और sin x दोनों किस में है? गुना में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेंगे और इंटीग्रेशन में रहेगा तब दिमाग लगाना है कि यहां चलेगा बाई पार्ट रूल। समझ में आ रहा है? तो बाई पार्ट रूल कहां लगाना है, कब लगाना है, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि भैया इंटीग्रेशन का एक भारी गठर है, भारी एकदम गठर है, बहुत बड़ा पहाड़ है। अब इस पहाड़ को आपको थोड़ा 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 करके तोड़ना है, तो चीजों को तो समझना पड़ेगा डीपली में ना, कि कहां कौन सा इंटीग्रेशन का रूल नियम अप्लाई होगा। तो याद रखियो कि बाई पार्ट रूल कहां यूज करेंगे हम लोग, कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा और इंटीग्रेशन रहेगा तब वहां पे आपको बोलना है बाई पार्ट रूल। अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहेगा और हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, तब वहां पे हम बोलेंगे कि भैया तुम लगा दो यू इंटू भी का रूल, यू को बाहर भी का डिफरेंशिएशन प्लस भी को बाहर यू का डिफरेंशिएशन। लेकिन दोस्तों यहां पे हम लोगों को तो अब पता चल गया देखकर कि दो फंक्शन है गुना में, फिर इंटीग्रेशन करना है, तो यहां लगाएंगे बाई पार्ट रूल। अब बाई पार्ट रूल लगाने से पहले आपको यू एंड वी आपको समझना है कि किसको यू कहेंगे किसको वी कहेंगे, क्योंकि यू और वी का हमको इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है। यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला होता है? यू को बाहर भी का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन यू का डिफरेंशिएशन गुना भी का इंटीग्रेशन और फिर डीएक्स बड़ा वाला का साथ। तो जो आएगा इसको फार्मूला पे पुट करेंगे। लेकिन अब आपको काम क्या करना है कि यू एंड वी को पहचानना है, ठीक है, कि यू एंड वी को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग इस टॉपिक्स को देखेंगे, हाउ टू डिसाइड हुज यू एंड वी। तो यू एंड वी को डिसाइड करने के लिए हम लोग इनवर्स लॉ ऑफ अर्थमेटिक ट्रिगो एक्सपोनेंशियल यानी कि इलेट रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब समझे भी है कि इलेट रूल्स क्या है। तो इलेट रूल्स वाले में हम लोग यहां पे देखें कि जो सबसे पहले आता है ना उसको यू कहते हैं। जैसे इलेट में सबसे पहले जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं? यू। तो देख लो, अब एक्स है, एगो एक्स है और एगो साइन एक्स है। तो साइन एक्स को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? लॉग में? नहीं भैया, लॉग नहीं, क्या इनवर्स में रखेंगे इसको? नहीं, इनवर्स में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि पावर में माइनस वन नहीं है। अगर साइन एक्स के पावर माइनस वन रहता तब ना इसको इनवर्स में रखते। साइन एक्स को रखेंगे दोस्तों ट्रिगो में, ट्रिगो ट्रिगो टी में। और ये x है तो x क्या है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, इसलिए इस x को हम लोग अर्थमेटिक में रखेंगे, यानी यहां हो गया अर्थमेटिक, यहां हो गया ट्रिगो। तो अब बताओ कि अर्थमेटिक और ट्रिगो में सबसे पहले कौन आता है? तो इलेट देख लो, याद रखना इलेट, आई एल ए टी ई। तो इलेट में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया अर्थमेटिक और बाद में आया ट्रिगो। इसलिए दोस्तों यू का वैल्यू हो गया एक्स और भी का वैल्यू हो गया साइन एक्स।
समझ में आ रहा है? तो इलेट का काम कौन सी है? इलेट का काम है यू और भी को चुनना, समझ में आ रहा है? यू एंड भी को अगर आप चुन लिए, समझिए आप एकदम 60-70% इंटीग्रेशन कर लिए, क्योंकि मेन यही है। इलेट काम करता है यू और भी चुनने का, तो इसमें यू कौन हुआ जो सबसे पहले आया? सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि एक्स जो है किस में आता है, इनवर्स में आता है कि लॉग में आता है कि अर्थमेटिक में आता है कि ट्रिगो में आता है कि एक्सपोनेंशियल में आता है। तो एक्स पता चला अर्थमेटिक होता है, साइन एक्स पता चला ट्रिगो आता है। अब अर्थमेटिक और ट्रिगो में देख लिया कि इस श्रेणी में सबसे पहले अर्थमेटिक आया तब ट्रिगो आया, तो दोनों में जो सबसे पहले आएगा वो कहलाएगा यू और जो बाद में आएगा वो वी। तो अब हम लोगों को कोई भी अगर इंटीग्रेशन गुना में रहेगा तो उस गुना में अपने मन से यू और भी किसी को नहीं मान लेना है, उसके लिए आपको इलेट पे जाना होगा। इलेट से डिसाइड कीजिए कि किसको यू लेना है किसको भी लेना है। तो चलिए फार्मूला का भी काम है इसलिए हम फार्मूला को भी नहीं मिटाते हैं। तो यू और भी पता चलने के बाद दोस्तों, ठीक है, U एंड V पता चल गया, अब फार्मूला से चलते हैं। फार्मूला तो यही है, देख लो इंटीग्रेशन का, इसका फार्मूला क्या बोलता है कि U को बाहर निकालो, तो U हम लोगों को X है तो X बाहर निकाल लिए। V का इंटीग्रेशन, तो V मतलब साइन X का इंटीग्रेशन, फिर माइनस माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन देना है बड़ा इंटीग्रेशन। U का क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन। तो U यहां क्या है? X ना, तो इसका हम लोग कर देंगे dx बटा dx, x का डिफ्रेंसिएशन, फिर गुना, फिर क्या करना है? V का इंटीग्रेशन। तो V यहां पे क्या है? साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा उसका भी एक बार से dx, ठीक है। देख लो x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है भैया, तुमको याद करना पड़ेगा रूल कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या रख दिया? माइनस कॉस एक्स, और यहां है माइनस, फिर से इंटीग्रेशन, और डीएक्स बाय डीएक्स का वैल्यू तो होता है वन, तो वन इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू dx। फिर से थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं, है ना, ऊपर से मिटाते हैं, क्या होता है? आप देख पा रहे होंगे यहां से x और माइनस cos x को गुना करेंगे तो माइनस x cos x, ठीक है, फिर माइनस, और इस माइनस को दोस्त बाहर निकालेंगे, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स को वन से गुना करेंगे कॉस एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। और आपको पता होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है। तो इस पूरा के जगह पे हम लोग साइन एक्स रख देंगे, और इंटीग्रेशन में सी लगाया जाता है तो सी लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है। लेकिन उसके लिए जो अच्छे से इन चीजों को समझ सके, रेगुलर अपडेट्स रहे मेरे से, ताकि हाँ अब कोई मान लिया कि जो पीछे वाला छूट दिया उसको पता नहीं चलेगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है साइन एक्स, तो रेगुलर आपको लगे रहना होगा, रेगुलर पढ़ाई करते रहना होगा, ठीक है। तो आपको तो जूझना ही पड़ेगा थोड़ा सा, कोई भी काम को करने के लिए थोड़ा सा लगना पड़ता है, आपको भी उस तरीके से मेहनत करना होगा, है ना। तो नो डाउट्स कि मेहनत नहीं है, मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। तो हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से अगर इंटीग्रेशन, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल में, और इसको खुद आपको करना है, हम सिर्फ समझा देते हैं भाई। ऐसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स,
ऐसा क्वेश्चन है, आप सबको सबसे पहले समझो कि ये तो दोनों फंक्शन है, एगो एक्स स्क्वायर है एगो लॉग एक्स है, दोनों गुना में है और इंटीग्रेशन है, तो समझ में आया बाईपार्ट रूल लगेगा। अब बाईपार्ट रूल लगेगा तो एक्स स्क्वायर कौन सी है, तो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो जो बहुपद होते हैं उसको अर्थमेटिक बोल दीजिए, और ये लॉग है तो इसको लॉग बोल दीजिए, लॉग एक्स है तो इसको एल के कैटेगरी में रखेंगे। अब आप बताइए कौन सा रूल है, इलेट रूल। अब इलेट में जो सबसे पहले आएगा उसको यू कहना है, तो ये दोनों में सबसे पहले कौन आ रहा है, ए और एल, तो ए और एल में एल ना सबसे पहले आ रहा है, तो यहां आप लिख दीजिए हियर यू का वैल्यू हो गया लॉग एक्स और वी का वैल्यू हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना है, जो फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं यू इंटू वी का इंटीग्रेशन वाला, उस पे आप रख के इसको सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से करके आप हमें जरूर व्हाट्सएप करेंगे। और दूसरा कि 7.6 एक्सरसाइज खोलना है एनसीईआरटी के बुक से और फिर वहां अपने आप से बनाना है, ठीक है। ऐसे तो अभी और थोड़ा सा थ्योरी रह गया है इसमें फार्मूला वाला, तो उसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा बनाने का, और इसके अलावा अगर आप बनाना चाहते हैं तो 7.6 एक्सरसाइज निकालिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू कीजिएगा, जहां तक भी हो सके बनाना है, जहां तक भी आपसे बनता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।